ध्रुव अपनी सेक्स लाइफ बेहतर करने के लिए उत्सुक था। वो चाहता था कि उसकी पार्टनर रिया के साथ उसका रिश्ता तन मन और धन से एक प्लेजरेबल जिंदगी जीने में मदद करे, और इस लाइब्रेरी में काम सूत्र की इष्ट देवी से रूबरू होकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सोने की खान हाथ लग गई हो। बताइए इष्ट देवी, जितनी जल्दी मैं काम सूत्र का इतिहास समझ पाऊंगा उतनी ही जल्दी मैं रिया से मिलकर अपना रिश्ता बेहतर कर पाऊंगा। तो सुनो ध्रुव, आचार्य वात्स्यायन द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ भारतीय ज्ञान और संस्कृति का ऐसा अनमोल और अनूठा अध्याय है जो सदियों से लोगों द्वारा पढ़ा और सिखाया गया है। इसकी रचना कब और कैसे हुई थी? इसकी रचना कब हुई, इस बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। इस ग्रंथ को लेकर कई विचारधाराएं प्रचलित हैं, जिनके अनुसार इसे कुछ 1.5 से 2.5 हजार साल पहले रचा गया था ऐसा माना जाता है। रोचक बात तो ये है कि काम सूत्र स्वयं में एक मूल ग्रंथ नहीं है, बल्कि खुद ब्रह्मा जी द्वारा धर्म, अर्थ और काम के नियमन और व्यवस्था के लिए तैयार किए गए संविधान के काम वाले हिस्से का रूप है। क्या तुम जानते हो इस संविधान में 1,00,000 अध्याय थे? 1,00,000 अध्याय? क्या मुझे अपना रिलेशनशिप सुधारने के लिए 1,00,000 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे? नहीं ध्रुव, ये ग्रंथ केवल काम या वासना के बारे में नहीं है, हालांकि ये विषय ग्रंथ के प्रचलित अध्याय हैं। इसमें धर्म और अर्थ जैसे विषयों पर भी विषयक अध्याय हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के सेवक नंदी ने इस ग्रंथ को 1,000 अध्यायों में लिखा था। नंदी के बाद उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ने इसे कुछ और समेटकर कुछ 500 अध्यायों में बदला और इसे और भी संक्षिप्त किया। पांचाल देश के विद्वान वाभ्रव्य ने, जिन्होंने इसे 150 अध्यायों में समेट दिया। थैंक गॉड, मुझे लगा कि रिया के साथ अपना फिजिकल और इमोशनल रिश्ता ठीक करने के लिए मुझे कोई महारत हासिल करनी पड़ेगी। कितने भोले हो तुम। इस ग्रंथ को समझना किसी महारत से कम नहीं है ध्रुव, क्योंकि ये एक ऐसी रचना है जिसने साहित्य, कला, संस्कृति आदि में अनेक विचारों को इंस्पायर किया है। अगर तुमने राजस्थानी कलम में रचित अनेक चित्र नहीं देखे तो कम से कम खजुराहो की वर्ल्ड फेमस मूर्तियों को तो जरूर देखा होगा। इसके अलावा सदियों से ये ग्रंथ अनगिनत कवियों के प्रसिद्ध लेखों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा है। अरे हाँ, खजुराहो को कौन नहीं जानता। मुझे याद है कि बचपन में जब भी खजुराहो के बारे में टीवी पर कोई प्रोग्राम आता था तो मैं शर्म से लाल हो जाता था और चैनल बदल देता था, क्योंकि मम्मी और पापा भी वहीं बैठा करते थे। ध्रुव, बेशक हम में से बहुत सारे लोगों ने कामसूत्र नहीं पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इसके बारे में पता न हो। वैसे आज इस ग्रंथ के बारे में जानकारी डिजिटल माध्यमों की वजह से पहले से काफी बढ़ चुकी है, जब ये ज्ञान बहुत सीमित था। कामसूत्र को अधिकतर लोग एक सेक्स मैनुअल के रूप में देखते थे, और आज भी है, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके यौन संबंधों को बेहतर बनाने की शिक्षा देना है। लेकिन असल में इसकी अलग अलग धाराएं भी हैं। इष्ट देवी, मुझे तो सबसे पहले अपने यौन संबंध यानी कि सेक्सुअल लाइफ को ठीक करना है, और मुझे जानना है कि मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं। क्या इस ग्रंथ में ऐसे उपाय हैं? क्या इसमें कुछ टिप्स या गाइडेंस भी हैं जिसे अपने निजी जिंदगी में उतार कर मैं रिया को भी खुश कर सकूं और एक हेल्दी पार्टनरशिप को एंजॉय कर सकूं? तुम्हारे सभी सवालों का जवाब इसी ग्रंथ के 6 अध्याय में है ध्रुव। कामसूत्र का 6 अध्याय ज्यादातर प्रेम और वासना पर केंद्रित है।
इसमें आचार्य ने विस्तार से बताया है कि एक अच्छे अनुभव के लिए कौन से सामान्य गुण जरूरी होते हैं और एक कपल के इसमें कर्तव्य क्या होते हैं। इसमें ये सब बातें हैं और इसमें ये भी बताया गया है कि महिलाओं को किन स्थितियों में किस प्रकार के पुरुषों के साथ सहवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने प्रेमी के साथ उनका व्यवहार कैसा हो आदि। अरे यही तो मैं जानना चाहता हूं, तो बताइए शुरुआत कहां से और कैसे करनी चाहिए। ध्रुव, जब तुम रिया से अपने प्रेम का इजहार करते हो तो कैसे करते हो? इश्क देवी, मैं अरे इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है ध्रुव, तुम एक बालिक युवक हो और मैं कामसूत्र की इष्ट देवी। एक गुरु और छात्र में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, यही ज्ञान प्राप्त करने का सबसे उचित तरीका है। जी मैं रिया को अक्सर उसके हाथ या गाल पर चूमकर अपना प्रेम दर्शाता हूँ। कभी तुमने सोचा है कि स्त्री और पुरुष में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? जी हमारे शरीर अलग हैं। ठीक कहा तुमने। जहां पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेक्सुअल ड्राइव काफी फिजिकल होती है, वहीं महिलाओं में ये एक फिजिकल एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक बहुत ही इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। तो बताओ ध्रुव, एक महिला को सैटिस्फाई करने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो उसे इन दोनों एक्सपीरियंसेस को प्लेजरेबल बनाने के लिए सबसे जरूरी है? लेट मी थिंक, क्या सीए कुछ है जो मैं नहीं कर रहा? तुम्हारा जवाब है स्पर्श, यानी टच। टच? मैं तो हमेशा रिया को टच करता हूं, यानी कि टच के बिना प्रेम कैसे किया जाता है? ठीक कहा तुमने ध्रुव, तुम टच तो करते हो लेकिन किस तरह? क्या तुम सब्र के साथ रिया को स्पेशल फील करवाते हो, उसे ये एहसास दिलाते हो कि तुम उसके तन और मन की पूजा करते हो? यही तो प्रेम पाश का असली तरीका है। अब आपने इस बात का जिक्र किया है तो मुझे याद आया कि मैं हमेशा जल्दी में रहता हूं। रिया का अक्सर मुझे ये कहना है कि उसे और वक्त चाहिए, लेकिन मैं उसे वो दे नहीं पाता। बिल्कुल, स्पर्श के साथ साथ यौन मिलाप में ऐसी कई और चीजें हैं जिन्हें सीखकर इस नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस का भरपूर आनंद उठाया जा सकता है। तो बताइए इष्ट देवी, बताइए मुझे वो सारे राज जिन्हें मैं अपने यौन जीवन में पिरो सकता हूं। सिर्फ स्पर्श ही प्रेम दर्शाने का एकमात्र तरीका नहीं है, ऐसे और भी कई इशारे, मूव्स, टेक्निक्स और अप्रोच हैं जिससे आप अपने पार्टनर को यौन मिलाप यानी कि सेक्सुअल इंटरेक्शन के दौरान सेटिस्फाई कर सकते हैं। स्पर्श यानी टच के अलावा कौन से हैं ये स्पेशल टेक्निक्स? कहीं आप कुछ ऐसी स्पेशल टिप मिस तो नहीं कर रहे हैं जिससे आप अपनी सेक्सुअल एक्सपीरियंस पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? उन टिप्स को जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।